इसी तरह निकाह से पहले मंगेतर को देखना याद रखिए जायज़ है, जिससे उसका निकाह तय हो रहा है जायज़ है। बहुत सी मरतबा लोग समझते हैं कि निकाह से पहले देख नहीं सकते लड़की को, बस खामोशी से बस कर ले नाक बन करके मामला हो गया ख़त्म। शरीयत में ये हुक्म नहीं है। शरीयत में ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी अंसारी एक शख्स आए मुहाजिर थे और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने फ़लाँ अंसारिया से अपना निकाह तय कर लिया। तो कहा क्या तूने उसे देखा? तो कहा नहीं। कहा अंसारियों के औरतों के आँखों में नुक्स होता है, थोड़ा सा फॉल्ट होता था, आँखें थोड़ी सी बीच में होती थी, अंदर की तरफ होती थी, ढली भी होती थोड़ी सी, जो हो सकता किसी को बाद में पसंद ना। तो कहा अंसारियों में एक नुस्ख होता है, तुम उनकी आँखों को ज़रूर देख लेते, मतलब उस लड़की को देख लेते। उसने कहा अल्लाह के रसूल नहीं देखा। फिर उस सहाबी ने देखा जाकर। तो लड़की को देखना याद रखिए, ये भी सुन्नत है कि आप जिससे निकाह कर रहे हो उसे पहले देख ले। अब बहुत सी बार लड़की वाले सवाल करते हैं लड़की कब देखे लड़के को। अरे मेरे भाई, जब लड़का देखने आएगा जब ही लड़की देखेंगी ना उसको, अब अलग से थोड़ी सेशन लेंगे दोनों का, ये देखने आया फिर वो देखेंगे। जब दोनों देख, एक लड़की देखने लड़के को बुलाया गया, और ये जायज़ तरीका है बताने का कि जब ऐसा लग रहा है कि दीनदारी ये सब कुछ है, मामला हो जाएंगे, तो आप बता दीजिए लड़के को, लड़की लाकर बिठा दीजिए। लेकिन होता क्या, देखिए लड़की देखने जाते हैं बाप, लड़के का चचा, मामू, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, सब जाके बैठे हैं वहाँ, लड़का बीच में बैठा हुआ है, और वो बेचारी लड़की को लाते कि भाई इसको देख लो। अब दोस्त की हालत तो यूँ बैठा हुआ हो और बाकी पूरे घूरते रहते, होता है ना, इधर से भाई धक्का देता, भैया ज़बरदस्त, उधर से चाचा हाथ मारता कंधे पे, भतीजे ज़बरदस्त, और भतीजा यूँ चलता हो, अरे बेटा देख लो, वहाँ शर्माता। मतलब जहाँ नहीं देखना वहाँ सड़कों पे घोरा घारी चालू है, जहाँ हराम है सड़कों पे देखना, औरतों को किसी और मुकाम पे देखना, अगर किसी का निकाह की नीयत है और किसी औरत को देखे तो हराम नहीं है, निकाह की नीयत इसलिए सबको देख रहा, और जहाँ जायज़ है देखना वहाँ नीचे। अब बाद में उसको बोलते भाई लड़की कैसे थी दोस्त, कहेगा देखा यार चाचा तो अच्छा दिख रहा, इधर मामू बैठे तो अच्छा दिख रहा, इतने लोग थे क्यों पहले, तो गलत बात है। लड़का होता उस लड़की के महरम होते साथ और बस दिखा देते कमरे में ले जाके, सबका देखना दुरुस्त भी नहीं याद रख, लेकिन बहरहाल देखना चाहिए। तो वहाँ देखने का मौका, लड़की कब देखे, तभी लड़की लड़के को देखेंगे, और चाहे तो पसंद कर चाहे रिजेक्ट करते हैं, बहुत काला दिख रहा है, बहुत सांवला है, बहुत ही गिंडा है, उनको भी हक है यकीनन सब बोलने का, फिर रिजेक्ट कर दे अगर करना है तो। दोनों देखेंगे, मंगेतर को निकाह से पहले देखना, इसमें कोई हर्ज नहीं याद रखिए, इसलिए कि निकाह तय करने से पहले देख लेना ये ज़्यादा अच्छा होता है, तखवे के लिहाज से भी और पसंद के लिहाज से भी। कि इंसानों को चीज़ नापसंद है, बाप को पसंद आ गई, बाप ने देख लिया, लड़के को पसंद नहीं, फिर क्या करेंगे, शादी के बाद वो उसको जो है गलत बातें बोलता है, मेरे बाप ने तुमको पसंद किया था, उनको तो ऐसी लड़कियाँ पसंद थी, मेरे को थोड़ी तुम पसंद थे पहले से। तो जाहिर सी बात है लड़के काम था, वो बोले कि भाई फलां फलां मेरे को पसंद नहीं, वो लड़की देखे उसको।